वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। और एक सरप्राइज़ वीडियो मैं आप लोग के साथ लेकर आ रही हूँ। एक्चुअली में मेरे लिए भी सरप्राइज़ वीडियो ही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये वीडियो बना पाऊँगी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो वो सारी बातें बाद में करेंगे। बट अभी चलो यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ जो मोती झील में एग्जीबिशन लगा है दिवाली के वजह से। तो यहाँ पे सिर्फ संडे तक के ही ये एग्जीबिशन लगा रहेगा, तो अगर आप लोग को विज़िट करना है तो संडे से पहले विज़िट कर लीजिएगा। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगी हैं वो सब मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल चीज़ें भी दिखने को मिलेंगी और साथ साथ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये क्रॉकरी का स्टॉल। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल क्रॉकरीज थी, बहुत यूनिक टाइप की थी, काफ़ी मुझे पसंद आया था ये स्टॉल। और दूसरा मुझे आया पसंद यहाँ का जो लेदर के बैग्स का स्टॉल लगा हुआ है, NS लेदर। काफ़ी अच्छे बैग्स थे यहाँ पे और सारे लेदर प्योर क्वालिटी के थे। एक्चुअली मैंने पर्सनली भी जानती हूँ, मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पर्स खरीदे हैं लेदर के। कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, साथ साथ प्राइस भी रीज़नेबल होता है। तो अगर यहाँ आना है तो आप यहाँ से लेदर के पर्स ले सकते हो, और अगर स्टॉल हट जाती है तो शॉप के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इनकी शॉप पर भी आपको सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। और अगर कपड़ों की मैं बात करूँ तो कपड़ों के लिए मुझे ये एग्जीबिशन समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने इससे अच्छे कपड़े एग्जीबिशन में देखे हैं। तो यहाँ क्वालिटी नहीं थी कपड़ों में, तो यहाँ लेकिन बेस्ट आपको पर्स वगैरह मिल जाएंगे। इयररिंग्स भी काफ़ी सही थी और बाकी थोड़ी यूनिक चीज़ें जैसे मैंने बताई अभी आप देखोगे। तो इन सब के लिए मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे कपड़ों के लिए ये एग्जीबिशन समझ में नहीं आया। तो चलिए अब साथ साथ देखते जाएंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं, आप भी देखते जाओ। ये फर्नीचर का जो स्टॉल लगा हुआ था ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा था। यहाँ के जो कलेक्शन थे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, फर्नीचर्स थे और भी चीज़ें थीं घर के डेकोर के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे जो जो सामान लगा था, जैसे कि ये कारपेट्स वगैरह लगी हुई थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई थी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी मैंने देखा था। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बेस्ट मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर एक बार विज़िट तो कर ही सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं इयररिंग्स में क्या क्या कलेक्शन है। और एयरिंग्स ये जितने भी आप देख रहे हो सब 40 रुपीज़ में थे और काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, और मतलब चीज़ें भी रीज़नेबल थी और अच्छी भी थी, तो यहाँ से हमने बहुत सी चीज़ें खरीदी। और ये यहाँ पे विंटर के कलेक्शन थे छोटे बच्चों के लिए, जो कि इसमें ये सेल लगी थी 250 में। आप जितना भी देख रहे हो ये सारे 250 में थे, तो आप आराम से ले सकते हो। और नेक्स्ट बात करूँ तो ये कॉट सेट की, कॉट सेट का प्राइस था 350 रुपीज़। तो यहाँ पे जितने भी आपको कॉट सेट बिक रहे हैं सब 350 में मिल जाएंगे। बाकी ये जो स्कर्ट और प्लाजो का जो लगा हुआ है ये आपको 200 में मिलेंगे। तो ये भी मुझे सही लगा कि मार्केट के हिसाब से ये चीज़ें भी मुझे रीज़नेबल लगी, तो आप यहाँ पे आके ये कॉट सेट या स्कर्ट वगैरह खरीद सकते हो। बाकी जो इस तरह की ज्वेलरी लगी हुई थी इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थे, लाइक 2000 और 2000-3000, और बहुत ही मिनिमल सी ज्वेलरी के लिए प्राइजेस थे। तो इतना तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई परचेज़ करेगा। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, तो एक बार विज़िट कर लेना, आपको अपने बजट में चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी घूम फिर लीजिएगा। और लोकेशन की बात करूँ तो कारगिल मोती झील में जो कारगिल पार्क है उसके जस्ट सामने ही ये दिवाली की एग्जीबिशन लगी है, तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कर सकते हो। चलो मिलूँगी आप संडे को, बाय बाय।